कि अगर कस्टम फॉर्मेटिंग में आप जाते हो नंबर कस्टम। अब यहां पे जैसे कि पहले देना है आपको कलर, ठीक है, जैसे मैं डाल दिया ग्रीन बड़ी ब्रैकेट के अंदर में। फिर देना है कंडीशन, जैसे मैं दे दिया ग्रेटर देन 100, फिर ब्रेक आएगा। तो एक कलर एंड कंडीशन कंप्लीट हो गए। इस सेपरेशन में देना है आपको सेमी कॉलर। फिर वापस सेकेंड कलर के लिए जैसे मैं देना है रेड, रेड दे दिया एंड फिर कंडीशंस इज लेस देन 100 या जो भी देना चाहते हो आपका। तो कंडीशंस दोनों अपने हिसाब से डालना, दोनों की दोनों कंडीशन एक दूसरे को ओवरराइट ना कर सके, बिल्कुल ठीक है, एंड ओके यस कर सर। दीजिए। तो इसमें कलर जो है ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड व्हाइट श्याम मैजेंटा, एक कुछ कलर्स है जो कि आप दे सकते हैं, सारे कलर्स आप नहीं दे सकते। अच्छा सर, इसमें अपन वो कंडीशन नहीं कर सकते जैसे अपन इफ कंडीशन लगाते हैं ना, कि नहीं, उसके लिए जैसे मान के कंडीशनल, उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके अच्छा ठीक है। सर, एक बात बताइए, इसके अंदर इसके साथ अपन तीसरी कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, जैसे आपने लगाया 100 से अगर कम है तो रेड होगा, 100 से ज्यादा है तो ग्रीन होगा, अगर हम 300 से अगर ज्यादा करते हैं और कोई डिफरेंट कलर देते हैं तो ओनली 299 तक ही वो आएगा ना ग्रीन कलर इसमें। हाँ जो भी आप कंडीशन देना चाहे आप दे सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं एक बार सर थ्री कंडीशंस के बारे में वो करके बताइए, क्योंकि मैं जब किया था तो हुआ नहीं था मेरे से थ्री कंडीशंस के बारे तो में। मैंने आपको क्या बोला कि कंडीशन जो है ओवरराइट नहीं होने चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने गेट यहां पे मैंने बोल दिया, यहां पे मैंने मान लीजिए कि बोल देता हूं कि ग्रेटर देन 10, सॉरी ग्रेटर देन हमने बोल दिया 300, ठीक है, एंड ग्रेटर देन यहां 100। मैं देता हूं ग्रेटर देन 200, और यहां पे मैं एक और कलर देता हूं, वो है आपका आपका मैंने भी इससे पहले कभी थ्री कलर अप्लाई नहीं किए, फर्स्ट टाइम मैं भी कर रहा हूं, ठीक हाँ है, ब्लू एंड कलर को एक मिनट। अच्छा सही करिए हमने आप। उल्टा कर दिया, हमने ब्लू इसका कलर देना होगा ना, नहीं कंडीशन देना होगा ना लेस अच्छा ग्रीन में देन। भी ना वो सिंबल नहीं लगाया ना अपने, ग्रेटर देन लेस देन का। पहले का कंडीशन नहीं थी, फर्स्ट कलर कंडीशन में अच्छा जनरल लग गया है, जनरल बताना पड़ेगा इसमें, जनरल भी है, और सर एक वो भी नहीं लगा रखा अपने, लेस क्या नहीं लगा रखा, देन ग्रेटर देन साइन, थ्री लगा रखा ना हंड्रेड अपने में, थ्री। थ्री हंड्रेड में देखे ना। शायद नहीं दे सकते थ्री कलर, अब बोले एक्सेप्ट कर नहीं रहा सर, पहला तो पहला हाँ था, एक्सेप्ट तो कर रहा अच्छा था बट गलत आ रहा था, कंडीशन प्रॉपर नहीं बन पाई थी उसकी। हाँ इस तरह से आ रहा था, हैजेस करके शो कर रहा था वो डेटा, अब वो क्यों कर रहा ओवरराइट था हो आई रही है डोंट ना, नो। ओवरराइट हो रही है ओके वो, पहले ओवरराइट हो रही है इसलिए तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बनाया गया है सर। पहले ओके तो वो ओके प्लस में आएगा वो तभी आएगा, सेकंड वाला माइनस में जाता है, वो थर्ड वाला जीरो और बाद में टेन आता है, हाँ उसी कंसेप्ट पे कवर होता ग्रेटर देन कैसे देगा 200 है। प्लस में। चलिए आगे टॉपिक की तरफ बढ़े। आज का टॉपिक यस हमारा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे, ठीक है, कि अगर कोई हमको फॉर्मेटिंग हमें करना है तो
तो नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग है उससे हमें इसका कोई मतलब नहीं है कि डेटा क्या है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे हाईलाइट करना तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि हम इजी टू अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि कोई इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं या हम दिखाना क्या चाहते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करें कि हम यूज क्या क्यों करते हैं, तो हम आपको कोई ये दिखा सकते हैं, कोई अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मैंने दिखा दिया मैंने आपको, नहीं ये गलत है, ये तो रिपोर्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं किया गया। एक मिनट, दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ। जैसे सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हम दिखाते हैं आपको, जैसे यहां देखिए 2016 को हाईलाइट किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पता चले कि जो चार्ट बना हुआ है इस 2016 एंड क्वार्टर फोर का चार्ट, 2016 के क्वार्टर थ्री का चार्ट। तो अभी मान लो कि अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं तो हमें कुछ समझ में आ रहा है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमाल है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के बिहाफ पे अपने डेटा को हाईलाइट करना, ताकि जो हमारा ए है जो जो रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहा है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ आखिर हम रिपोर्ट जो यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज कर रहे हैं। समझ गए, मतलब कि आखिर है क्या रिपोर्ट, और जो पहले देखना चाहे वो पहले देख सकते हैं। जैसे सेल्स परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आसान दिखेगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या लगा है, अगर मैं यहाँ से ईयर वाइज रिपोर्ट है, अगर मैं ईयर वाइज रिपोर्ट और मंथ वाइज है, मैं मंथ चेंज करता हूँ, मैं करता हूँ सेप्टेम्बर महीना का, तो सेप्टेम्बर में देखिए यहाँ पर रेड हो गया, अक्टूबर यहाँ ग्रीन हो गया। तो ये हमें आंखों को मतलब कि हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ग्रीन कलर इट मीन्स हमारा लास्ट ईयर कंपेयरिंग में सेल का ग्रोथ हुआ है इस पर्टिकुलर रीजन में, ओवरऑल लॉस हुआ है। समझ गए, तो इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग एक, देखिए इसमें क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट है और हमारे तीन रीजन में प्रॉफिट है, एक रीजन में ज्यादा लॉस है। तो इसमें क्या लगा है कि अगर वन माने कि लेस देन जीरो हुआ, माइनस में हुआ तो रेड हो जाए और प्लस में हुआ तो ग्रीन हो जाए। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट इस पे अप्लाई किया गया है और उस कंसेप्ट की मदद से हमें कितना फायदा हो रहा है अंडरस्टैंड होने। तो जब हम किसी को रिपोर्ट अपना भेज रहे हैं तो जो देखना चाहता हूं मैं, जो उसको पहले दिखाना चाहता हूं भाई पहले तुम इस चीज को देखो, तुम्हारी नजर इस पे जानी चाहिए, उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं कि किसी कंडीशन की बिहाफ पे हाईलाइट करना। मतलब अगर यूज देखा जाए तो हम इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज सिर्फ हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यस सर। तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग।
आगे बढ़े यस चलिए अब बात करते हैं कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो आपको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सिलेक्शन क्रिएट करना होगा, जैसे कि मैं चाहता हूं कि किस किस को ओवरटाइम ग्रेटर देन 3000 दिया गया है। हमें इस बात को जानना है। ठीक है, समझ गए। तो उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में जाएंगे। सबसे पहले आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन में अगर सिलेक्ट करते कुछ नंबर्स पहले से आ जाता है प्रीडिफाइंड, उसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके अब इसे मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहां नंबर डालना कि मैं चाहता हूं लेस ग्रेटर देन 3000। हमने ग्रेटर देन 3000 यहां पे डाला, तो यहां पे एक डिफॉल्ट कलर जो है, जो भी 3000 से ज्यादा है इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में, वो आपका हाईलाइट हो रहा है एक डिफॉल्ट कलर से, एक डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग से। इसके बगल में विड्थ लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहां पे अपनी फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है, यस सर। तो कुछ तो डिफाइन इसमें है, बने बनाए फॉर्मेटिंग है। अगर ये आपको नहीं पसंद आए तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके अपनी खुद की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट समझिए कि आप इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो सबको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेनिफिट्स तो पता चल गया होगा, किसी भी चीज को स्पेशल हाईलाइट करने के लिए। हाँ, किसी भी चीज को हाईलाइट कर, किसी पर्टिकुलर कंडीशंस पे हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, yes, जिसको हम अपने रिपोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है ना? यस सर। अब चलिए इसको इसमें क्या क्या करते हैं इसके बारे में आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पे आप एक तो है कि आप इसमें अपने हिसाब से कोई नंबर्स, डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके यहां पे दिखता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। तो इसमें ग्रेटर देन नंबर डालोगे तो जो भी पर्टिकुलर नंबर डालते हो तो उस नंबर से बड़ा हाईलाइट होगा, लेस देन उस नंबर से छोटा होगा, एंड बिटवीन दो नंबर का बीच का होगा, एंड इक्वल एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, yes. लेकिन इसमें हम एक तो नंबर डाल सकते हैं, एक डेट डाल सकते हैं और एक टाइम डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक डेट, एक नंबर एंड एक टाइम। और दूसरा कि हम यहां पे टाइप भी कर सकते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि मैं यहां पे दे दिया 3000, तो मैं चाहता हूं कि इस पे जो लिखूं उससे मेरा हाईलाइटेड हो, तो सिलेक्ट किया यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एंड ग्रेटर देन, और यहां पे हम इसको सिलेक्ट कर लिया एंड हेलो। अब जैसे यहां पे हम 4000 डालेंगे तो
तो 4000 सा रेड होगा, और 100 डालेंगे तो 100 सा ज्यादा हाईलाइट होगा, 500 डालेंगे तो 500 से हाईलाइट होगा, इसे चेंज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए कि जब भी हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, चाहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या कोई भी और चीज क्यों ना हो, हाउ कैन आइडेंटिफाई कि इसमें फॉर्मूला भी डल सकता है, क्या सर? Yes. कि इस चीज को हाईलाइट हम कैसे करेंगे, मैं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम इसको फॉर्मूला भी डाल सकते हैं। तो जब भी आप कोई फीचर्स अप्लाई करेंगे, जैसे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लाइट अप्लाई किया, जैसे हमने इसमें अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो इस तरह का मार्क आता है, इट मीन्स इसमें हम फॉर्मूला में की पर्टिकुलर रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए? तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहां पे हमने आपको बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम ग्रेटर दैन लेस देन बिटवीन अनइक्वल टू के जगह ये है, इस पे हम डेट टाइम नंबर्स को एंट्री कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड एरिया होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा, साथ में किसी अदर सेल का रेफरेंस को भी हम ले सकते हैं। अब अदर सेल के रेफरेंस से एक एग्जाम्पल में दिमाग में आया कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मेरे पास ऐसा आया करता था, जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा हुआ करता था, मैं रैन बिटवीन का कॉमा लगाता हूँ, कॉमा अब मैं इसमें सर्च कि जो मैं यहां नंबर डालू वो यहां पे सर्च कर ले, मैं देख बता दे कौन कौन नंबर है, तो उसके अंदर जस्ट हम लोग इक्वल टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्वल टू और इसमें इस पर्टिकुलर नंबर यहां इस नंबर को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। जैसे कोई नंबर आ गया 61 डाला, जहां का 61 है वो हाईलाइट हो गया, 50 डाला तो 50 हाईलाइट हो गया, तो इस तरह की चीजें हम करते हैं, ठीक है? तो इक्वल टू का इस्तेमाल रिपीट करते ना एक बार अंकित जी, कुछ नहीं, पहले तो जितने एरिया पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको लगाना है उतने एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहला काम तो आपका ये होगा, फिर उतने एरिया को जो आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग के हाईलाइट रूल्स के अंदर, इसमें जो कंडीशंस पसंद है आपको, जैसे कि मुझे जो अप्लाई करना है, जिस जो आपका क्राइटेरिया है अप्लाई करने की, वो क्राइटेरिया आप सेट कर लीजिए, मैंने इक्वल टू सेलेक्ट कर लिया, और मैं इक्वल टू में यहां पे 50 नहीं लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लिंक ऑन दिस सेल, कि इस सेल से लिंक हो, क्योंकि मैं मैनुअल टाइप करना नहीं चाहता, ठीक है? तो इसके लिए उस पर्टिकुलर सेल से हम लिंक कर लेंगे, तो उस पर्टिकुलर सेल से हमारा लिंक हो जाएगा, आया समझ में? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तीन चीज, वो तीन जो फैसिलिटी आप ऊपर देख रहे हैं, ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन, इस एंड लेस देन ग्रेटर देन बिटवीन, इस पे आप जो है कोई भी टेक्स्ट नंबर यूज कर सकते हैं, ठीक है? टेक्स्ट नहीं, नंबर डेट एंड टाइम, नंबर डेट एंड टाइम, तीन चीजें डाल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट ही डाल सकते हैं, आप ग्रेटर देन सुजीत नहीं कर सकते, किसी सिटी का नेम नहीं कर सकते, समझ गए? क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को कंसीडर नहीं करता है, लेकिन अगर हमारा कोई एग्जैक्ट टेस्ट, कोई टेक्स्ट वैल्यू को अप्लाई करना हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं दिल्ली को दिल्ली वाला ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यहीं पे इक्वल टू इस्तेमाल करूंगा, तो इक्वल टू क्या करता है कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू को हाईलाइट करता है, जैसे कि दिल्ली को हाईलाइट करते हैं, बट यहां पर प्रॉब्लम हुआ
कि sometimes हमें क्या हमारे साथ problem क्या होती है कि sometimes हमारे पास problem ये होती है कि हमारे पास data के अंदर में कुछ इस तरह के problem होते हैं. जैसे कि अभी जैसे देखिए कि दिल्ली लिखा है कहीं पे न्यू दिल्ली लिखा है, समझ गए? तो कहीं पे दिल्ली लिखा हुआ है कहीं पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो यहां पे एक दिक्कत आ गई ना हमको कि अगर मैं दिल्ली हाईलाइट करूंगा तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा, अब न्यू दिल्ली हाईलाइट करूंगा तो दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा. तो इस केस में हम इक्वल टू के जगह पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन. इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहां पे दिल्ली लिखा तो जो दिल्ली सिंगल है वो भी हाईलाइट हो जाएगा और जो दिल्ली न्यू दिल्ली के साथ है वो भी हाईलाइट हो जाएगा. क्लियर है? तो टेक्स्ट दैट कंटेन इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है भैया. और सर जैसे दिल्ली भी करना है और कोलकाता भी करना हो तो अब इस पे एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे दिल्ली हाईलाइट करना है तो दिल्ली लगा देंगे, फिर मुझे वाला नोएडा करना है तो सेम कलर से या डिफरेंट कलर से, तो अकेले हम यहीं पे नोएडा लिख दूंगा. क्या बोल रहे हैं सर? अंकित जी तो किसी और से बात करें, समझ में आ गया आप लोग को? हाँ सर. सुजीत जी आप औरों को बोल दीजिए म्यूट पे जाने को. मैं बोल देता हूँ सबको म्यूट कर, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए. चलिए सबने म्यूट कर लिया. तो आप इसमें एक चीज और आप जान लीजिए कि हम एक सेल पे मोर देन वन कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है? चलिए तो हमने टेक्स्ट दैट कंटेन भी पढ़ लिया कि पर्टिकुलर वैल्यू अगर एग्जैक्ट ना हो तो उस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद आता है डुप्लीकेट ए डेट ऑफरिंग, माफ कीजिए एक डेट ऑफरिंग. अब ये डेट ऑफरिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप डेटा पे हाईलाइट कर सकते हैं ग्रेटर दैन लेस दैन बिटवीन इक्वल टू में, इसमें आप डेट टाइम वगैरह डाल सकते हैं. लेकिन ये डेट टाइम फिक्स होगा, जैसे मान लीजिए मुझे आज की डेट हाईलाइट करनी हो तो मैं यहां पे आज का डेट लिख सकता हूं कि 12/ आज क्या 19, तो आज की डेट हाईलाइट हो जाएगी. लेकिन ये हाईलाइट फिक्स हो जाएगा, कल 20 तारीख मुझे 20 चेंज करना पड़ेगा या डिलीट करके नया लगाना पड़ेगा, मतलब कल वो 20 तारीख अपने आप चेंज नहीं होगा. समझ गए? तो अपने आप चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें हाँ इसमें फॉर्मूला वगैरह तो हम लगा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि हमारे पास प्री डिफाइंड कंडीशंस है ए डेट ऑफरिंग में. या कि टुडे यस्टरडे टुडे टुमारो लास्ट 7 डेज वगैरह वगैरह. ओके समझ गए? यस सर. तो यहां से आप जैसे टुडे सेलेक्ट कर लिया तो आज का डेट हाईलाइट हो गया, और ये हमेशा डेट चेंज होते रहेगा आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग. आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
समझ गए? यस सर। तो बार बार चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये डेट ऑगरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है डुप्लीकेट वैल्यू। अब किसी एक सिलेक्टेड सेल में मैं चाहता हूं कि कितने ऐसे नंबर मोर देन वन टाइम है उसका हमें पता लगाना है कि एक सिलेक्टेड सेल के अंदर में कितने ऐसे वैल्यू है जो मोर देन वन टाइम। तो उसके लिए हम डुप्लीकेट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। डुप्लीकेट वैल्यू क्या करेगा, जो भी नंबर मोर देन वन टाइम होगा उसको हाईलाइट कर देगा, जो भी आपका मोर देन वन टाइम है उसको हाईलाइट कर देगा। ठीक है। और इसी के अंदर यूनिक वैल्यू होती है, तो सिर्फ ऐसे वैल्यू को हाईलाइट करेगी जो सिर्फ एक बार आया। अब इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना मोबाइल नंबर लिख रहा हूं या अकाउंट नंबर लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें जैसे मैं डुप्लीकेट टाइप करूं, जैसे ऐसे नंबर टाइप को जो मोर देन वन टाइम है वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं यहां पे रिमूव डुप्लीकेट का फंक्शन लगा दूंगा। अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग सेट करना है वो फॉर्मेटिंग में सेट कर दूंगा, उसके बाद ओके करूंगा, और फिर यहां पे जैसे वो नंबर मोर देन वन टाइम हुआ, जैसे मैंने किसी सेल में एक नंबर को दो बार लिखा तो नंबर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा, तो मुझे उसी से पता चल जाएगा कि हाँ यार हम गलती कर रहे हैं। क्या सर? सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे सर डेटा है सर अपने पास, तो उसमें सर कुछ हाइलाइट्स वैल्यू है वो तो टॉप पे रखने सबसे ऊपर, अब बाकी का डेटा जस्ट उसके नीचे लेना है, तो आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं ना? तो सर उसमें शॉर्टिंग में तो ये वाला ऊपर आ जाएगा जो हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, सॉर्टिंग वाले में आप हाईलाइटिंग ऊपर कर सकते हो, उनमें बताऊंगा आपको। शॉर्ट बाय कलर कर दोगे तो हाईलाइट हो जाएगा आपका। समझा? समझ में आपको सर? हाँ सर। तो ये सॉर्टिंग नहीं करता है, ये आपको हाईलाइट करता है। और मैंने पहले ही चीज को बता रहा है, कभी भी बता रहा हूं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग या फिर किसी भी तरह की जो फॉर्मेटिंग आप इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मेटिंग जस्ट आपकी विजिबिलिटी को चेंज करता है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो आपने डेट ऑपरेटिंग में सीखा ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट, ये चीज हमने सीख ली। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब आता है टॉप बटन। जैसे एक पर्टिकुलर डेटा में पहले आप एक चीज और सीखिए, इसे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, मुझे इसको क्लीन करना है, तो इसको हम क्लीन कैसे करें? तो क्लीन करने का भी हमारे पास फंक्शन है, तो उसके लिए आप यहां कंडीशन फॉर्मेटिंग में सबसे नीचे स्टॉप से नीचे से ऊपर आएगा क्लियर रूल्स, इसमें आता है क्लियर एंटायर, क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल एंड क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। तो एंटायर सिलेक्शन करोगे तो सिर्फ उतना ही एरिया आपका हाईलाइट होगा जितना एरिया आपने उसको
सिलेक्ट किया है और एंटायर शीट पूरी की पूरी शीट क्लियर कर देंगे। अब इसके मुझे क्या करना है, मैं ये देखना चाहता हूं कि इसे टॉप 10 जो सैलरी है उसे बोनस जो है वो किनको मिला है या टॉप 100 किनको मिला है। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं। तो उस केस में टॉप बटन में यहां पे हम टॉप 10 को सिलेक्ट करेंगे या टॉप 10 को चेंज करके टॉप 100 कर लो, टॉप 50 कर लो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो जो नंबर डालोगे उसके हिसाब से आपका हाईलाइट हो जाएगा टॉप 10 एंड बॉटम, आपका जो टॉप 10 बॉटम 10 होता है उसमें। तो लो 10 भी कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसमें अगर आप इसमें मैं आपको ये बता रहा था, कि अगर आप इसमें तो टॉप 10 हो गया, अगर आप बिलो 10 करना चाहते हो तो इसमें आपका बॉटम 10 आता है। तो बॉटम 10, बॉटम 15 अपने हिसाब से जो कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है सर? हेलो, हाँ सुन रहा हूं सर। जैसे अपने को हाईएस्ट, जैसे मान लीजिए अपने 50 का डेटा है, उसमें से अपन को ओनली हाईएस्ट 2% निकालने हैं, तो उसके लिए तो फिर सर टू हो जाएगा ना हाईएस्ट टू। हाँ, बॉटम वाले में आएगा ये? नहीं नहीं, बॉटम नहीं, टॉप में टू कर देंगे। टॉप में आएगा नहीं? टॉप में टू कर दीजिए, दो हाईलाइट हो जाएगी। हाँ ओके ओके, जिसमें देखिए दोनों हाईलाइट हो गया, 7800 है 7700। ठीक है ठीक है, थैंक यू। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इसमें आपके पास एक और होता है, इसमें टॉप 10 में आपका बॉटम टॉप 10 परसेंटेज या बॉटम 10 परसेंटेज होता है, ये आपके इसके अकॉर्डिंग है, क्या बोलते हैं, ये आपके क्या बोलते हैं इसको, परसेंटाइल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता है। तो मैं परसेंटाइल फॉर्मूला पे आऊंगा तो इस चीज को आप कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है अबव एवरेज। अब देखिए जो भी डेटा को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें मान लो बोनस को हमने सिलेक्ट किया, या बोनस था, बोनस को सिलेक्ट किया, तो बोनस को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे इसका एक एवरेज दिख रहा है कि एवरेज कितना बोनस मिला है। आप लोग एवरेज समझते हैं ना, एवरेज क्या होता है? यस सर। तो एवरेज हमारा निकला, तो अगर मैं चाहता हूं कि एवरेज से जो ऊपर हो उसको हाईलाइट करें, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में अबव या टॉप बॉटम में जाके अबव एवरेज सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका एवरेज कैलकुलेट करके और उससे बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। देखिए 11000 उसने कैलकुलेट में जो बड़ा था 27050 जो है उसको उसने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, तो जो हाईलाइट होगा इस तरह से वो हाईलाइट कर देगा, जो अबव एवरेज है उसका हाईलाइट कर लेगा और नीचे जो बिलो एवरेज है वो उसको भी हाईलाइट कर लेगा। तो सही, माफ कीजिएगा मैं गलत कर दिया, यहां पे बिलो एवरेज। तो अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज,
अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमने हाईलाइट सेल्स को पढ़ा, हमने टॉप बॉटम को पढ़ा, अब बात करते हैं डेटा वार। अब जैसे मैं जानना चाहूं कि ये 43,000 सबसे टॉप पर है या 3,000 सबसे टॉप पर है, तो इसकी कंपेयरिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी ना। मैं चाहता हूं कि मैं एक से एक रो को दूसरे रो से इजिली कंपेयर कर सकूं। तो इजिली कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, इजिली कंपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा बार का, क्योंकि इसमें चार तो नहीं बनाया सकता ना, डेटा बार क्या करेगा कि इसमें बार क्रिएट कर देगा, जितना जिसका बड़ा बार हुआ उसकी उतना ज्यादा उसका उसके अंदर में ये होगा पोजीशंस होंगे। समझ गए? यस सर। तो इसको अगर मैं अलग समझाऊं आपको किसी अलग सेल पे तो समझ में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहीं पे बार सेलेक्ट कर सकते हैं, उतना बड़ा बार बना देगा। इसमें कलर स्केल भी है, तो कलर स्केल भी डेटा बार की तरह ही काम करता है। लेकिन वो कलर शेड क्रिएट कर देता है, लेकिन इसका कम यूज होता है, डेटा बार का यूज होता है। हाँ, आइकन सेट उसमें गुड है। आइकन सेट की बात करें तो आइकन सेट यहां पर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। देखिए मिडल टॉप और बॉटम। आइकन की बात करें तो आइकन को हम और भी अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे क्वार्टर वन है, यहां पे क्वार्टर टू है। क्वार्टर वन की सेल 40 है, क्वार्टर टू के सेल 45 है, और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहां हाईलाइट कर देता हूं, तो इजिली कंपेयर बता देगा कि कौन हाईलाइटेड है और कौन अनहाइलाइटेड है। ठीक है, तो आइकन सेट का इस्तेमाल इस चीजों के लिए होता है। किसी को डाउट तो नहीं है ना? अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, शर्माना मत। ठीक है सर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने हाईलाइट सेल्स को देखा, टॉप बॉटम, आइकन सेट, कलर स्केल एंड आइकन सेट के बारे में बात की। आइकन सेट जो है इसी तरह से और भी आइकन है, जो कि आप जो भी नंबर सिलेक्ट करोगे या डेटा को सिलेक्ट करोगे उसमें उसकी पोजीशन के हिसाब से वो अपना आइकन आपको लगा देगा। देखिए उसके लिए हम बताएंगे कल आपको। अगर आपको अगर एरो जो है अलग सेल में शो करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे 60 है और आपने क्या किया कि इस तरह से यूज कर लेते हैं कभी भी कि मुझे एरो यहां शो करना है, तो जहां पे एरो शो करना है हम कंडीशन फॉर्मेटिंग तो वहीं पे लगाए। जैसे मैंने इसको सेट कर दिया, मुझे आइकन में मैंने ए इस्तेमाल करना, बट एरो तो नहीं दिख रहा है, तो मैनेज रूल में इस पर डबल क्लिक करते हैं। ओके, तो यहां पे दिक्कत क्या होती है कि आप जो है कलर फॉर्मेटिंग वगैरह तो कर सकते हो किसी अदर सेल पे, लेकिन आप आइकन को किसी और सेल पे यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं हो पाता है।
लेकिन करना होता कैसे करेंगे कि हम उसको उस डेटा को हम लिंक कर देंगे उस पर्टिकुलर सेल से और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेजर में जाएंगे यहां पे आता है शो आइकन ओनली शो आइकन ओनली तो आपका नंबर नहीं दिखेगा आपको ऐसा लगेगा कि आइकन किसी और जगह शो किया हुआ है ठीक है हेलो हाँ जी बोलिए एक बार आपने अभी जो रेंट बिटवीन जो लगाया था एक बार जो नंबर्स लिखे हुए एक बार उस वाली सीट पे आइएगा दिस वन अगर जैसे अपने को A5 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस शो करनी है अकॉर्डिंग टू आइकन सेट से राइट A5 और क्या इसमें क्या शो करना है आपको मतलब इसमें ग्रोथ शो करनी है कि कौन से मंथ में ग्रोथ मान के चलिए ये मंथ वाइज है कौन से मंथ में ग्रोथ करी है कौन से में नहीं करी है कौन से में डाउन है तो उसको अपन बेस किसको मानेंगे ए आप ये करना चाह रहे हो ना इस तरह से हाँ 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 बिल्कुल तो इसमें दो चीजें है कि आपको कंपेयरिंग इसके हिसाब इस तरह से चाहिए या इस तरह से चाहिए इस तरह से चाहिए अपने को इस तरह चाहिए ना यस तो जिस तरह चाहिए उस तरह से आप सिलेक्ट कर लो आप अप्लाई नॉर्मल हाँ सिलेक्शन लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वन बाय वन करना पड़ेगा अगर आपने पूरा सिलेक्शन किया तो ये पूरे के अकॉर्डिंग अपना दिखाएगा चाहे आइकन लगाओ चाहे कुछ लगाओ तो कॉलम वाइज करना चाहते हो तो कॉलम वाइज करो रो वाइज करना चाहते हो तो रो वाइज करो लेकिन जितना एरिया सिलेक्ट करोगे उतने के हिसाब से करेगा वो इंडिविजुअल नहीं करेगा तो सर इसमें बेस कौन सा मानेंगे ये सबसे पहले उसके हिसाब से तो करेगा नहीं ये फर्स्ट में पहले वो बेस मानेगा जी जैसे कि नहीं नहीं बेस नहीं वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग चलता है ओके ठीक है ना जैसे कि मान लीजिए ना मान लीजिए कि हम मान लीजिए ना इसको सिलेक्ट करके मैंने ए यूज कर लिया आइकन यूज कर लिया ना आइकन यूज कर लिया ना तब बोले इसका बेस क्या मतलब इसको मैनेज रूप में जाओगे तो यहां पे अगर तुम देखोगे डबल क्लिक करके तब पता चलेगा कि बेस क्या है 67 and 33 परसेंटाइल के हिसाब से निकला है 63 and 33 ओके इसको अपन मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं हाँ ओके तो अगर हमें नीचे भी लगाना होगा तो एक एक करके एक एक सिलेक्ट करके करना पड़ेगा ये एक जो भी अब क्या बोला जो सिलेक्टेड एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना सर ठीक है क्योंकि मैं एक बार कर रहा था ये तो क्या हुआ मैंने पूरा बल्क सेलेक्ट किया साले रेड रेड हो गए फिर मैंने सिंगल सिंगल करके किया तो फिर हुआ कुछ लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में ही था मैटर मतलब ओके ठीक है तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए हम कल आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे कि कंडीशनल आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे मोर रूल्स है उनके बारे में और फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे उनके बारे में समझाऊंगा क्योंकि जो अभी आपने सीखा है मोस्ट यूजर्स है 100% नहीं है क्योंकि जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन था ही नहीं तो उस तरीके से बिटवीन तो वहां पे इसका यूज करेंगे ठीक है तो हम आपको एक कल की क्लास में बताएंगे आज की क्लास की रिकॉर्डिंग में भी डाल के आप लोगों को दे देता हूँ आप लोगों को आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फिर कल हम आपको सेम टाइम में एडवांस कंडीशन सुजीत जी मैं हेमंत बोल रहा हूँ कल हम लोग आधा घंटा पहले शुरू कर सकते हैं अच्छा हेमंत जी की एक प्रॉब्लम है कि वो क्लास थोड़ी सी जल्दी लेना चाहते हैं आप लोग को सुटेबल है कि जो क्लास जल्दी कर ले कोई सुने आप ना क्योंकि वो अभी जो है ना आउट ऑफ इंडिया है वन वीक के लिए ये वन वीक का ही रहेगा तो वन वीक के बाद वो आपस जो है वो 8 बजे टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है तो मैं भेज दूंगा क्योंकि मेरे भी 7 to 8 का टाइम फिलहाल खाली है लेकिन जैसे 7 to 8 फुल होगा तो मैं भी नहीं ले पाऊंगा ठीक है तो कल से 7:30 का क्लास स्टार्ट करेंगे अब रख बैक ओके ओके बाय थैंक यू